नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश नहीं झुकने देंगे में आप सबसे बड़ा सवाल ये कि आज भी देश में कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहां हिंदुओं की नो एंट्री है? क्या आज भी ऐसे इलाके हैं जहां हिंदुओं का जाना मना है? वो मोहल्ले जहां हिंदुओं का जाना जानलेवा है? ये सवाल दरअसल राजस्थान के करौली दंगों को लेकर है, जहां हिंदुओं को मुस्लिम इलाके में शोभा यात्रा निकालने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ये देखिए तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। करौली में सांप्रदायिक हिंसा, आगजनी हिंसा, तोड़फोड़, हमला, घरों में दुकानों में आग, ये सब कुछ हुआ चैत्र नवरात्र के पहले दिन। शोभा यात्रा निकालने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हिंदुओं को। पहले तस्वीरें इस वक्त आप देखिए कैसे चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष के पहले दिन हिंदुओं को घात लगाकर मारा गया, हिंदुओं पर घात लगाकर कैसे उनको टारगेट किया गया, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 अप्रैल यानी कि शनिवार को भगवा झंडे लेकर हिंदू नववर्ष की रैली जैसे ही राजस्थान के करौली के मुस्लिम मोहल्ले में पहुंची, ये तस्वीरें अगर स्क्रीन पर पीछे हम दे फिर मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझा पाऊंगा कि हुआ क्या, ये तस्वीरें क्यों अहम है, किस तरह से छतों पर घात लगाकर हमला किया गया। ये बाइक रैली हो रही थी और इस इलाके में, इस गली के अंदर जैसे ही, ये देखिए आप, ये रैली यहां पर हो रही थी करौली में, इसमें आप देखेंगे छतों के ऊपर कुछ लोगों ने घात लगाकर हमला किया। बहुत ध्यान से देखिएगा, वो देखना आप छत पर ये बड़ी बड़ी ईंट की सिलियां जो है वो फेंकी गई, ये जगह जगह चार पांच इस तरह की छत, एक ये वाली छत, एक ये वाली छत, छतों पर ईंट की सिलियों से हमला किया गया। ये गली, ये मुस्लिम गली, मुस्लिम मोहल्ला, जैसे ही चैत्र नवरात्र के समय यहां पर भगवा जुलूस निकला और वो देखिए आप, वहां से ईंट की सिलियां फेंकी गई, जगह जगह से ईंट की सिलियां फेंकी गई, ये तस्वीरें वाकई बहुत खौफनाक, छतों से पत्थर किस तरह से फेंके गए, बाइक रैली पर पत्थर फेंके गए। ये चैत्र नवरात्र के पहले दिन और हिंदू नववर्ष का पहला दिन था। ये देखिए ये रैली निकल रही है, ये रैली जब मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम मोहल्ले के अंदर घुसी तब छतों से पत्थर फेंके गए, छतों से बताया जा रहा है कि कुछ पेट्रोल बम फेंके गए। जैसे ही ये हिंदू जो भगवा जुलूस था ये इस गली के अंदर घुसा, उसके बाद वहां पर जबरदस्त, ये देखिए छतों पर, देखिए आप इन तस्वीरों को स्क्रीन पर रखिए एक मिनट, देखिए आप ध्यान से कैसे छतों पर लोग पहले से इकट्ठा थे और बड़ी बड़ी ईंट की सिलियां नीचे फेंकी गई इन भगवादारी, ये जितने भी लोग वहां पर पहुंचे थे जो हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के पहले दिन ये शोभा यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन इस गली से गुजरना जानलेवा साबित हुआ। और उसके बाद मतलब यहां पर दंगा भी हुआ, पत्थरबाजी हुई, 30 लोगों को बताया जा रहा है कि पकड़ा गया है, 40 से ज्यादा दुकानों में आग, कई दुकानों में वहां पर आग लगा दी गई, 40 के करीब लोग जख्मी हैं, पत्थरबाजी शुरू हुई, दंगा हाउस एक तरीके से बड़े बड़े मतलब बोल्डर वहां से फेंके गए, पहले से जमा करके रखी गई वहां पर ईंटें थी, देखिए छतों पर लोग पहले से इकट्ठा थे, जिसके बाद इलाके में दंगा भड़का, कई दुकानों और घरों में आग लगा दी गई। ये छतों को दंगा हाउस बना दिया और छतों से किस तरह से बड़ी बड़ी ईंट सिलियां पत्थर पेट्रोल बम ये इन पर फेंके गए। ये राजस्थान में करौली हिंसा में 42 लोग जख्मी हुए हैं, अभी तक हिंसा में कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, 42 लोग इस हिंसा में जख्मी है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो पैटर्न है छतों से पेट्रोल बम या पत्थर फेंकने वाला, करौली में जिस तरह से छतों में पहले से इकट्ठा करके ईंटें और बड़े बड़े पत्थर हिंदू जुलूस पर फेंके गए थे ना, ये दंगों का दिल्ली मॉडल था। दिल्ली मॉडल ये देखिए आप क्या हुआ था, दिल्ली में भी छतों पर हथियारों का जखीरा, पत्थर, ईंट, एसिड बॉम्ब, पेट्रोल बम तैयार करके रखे गए थे छतों पर, और करौली में भी ये दंगा बिल्डिंगें थी और बिल्डिंगों के छतों पर इसी तरह से मौत का सामान, पत्थर, ईंट, पेट्रोल बम इकट्ठे करके रखे हुए थे कि ये लोग यहां आएंगे और इन पर ऊपर से हमला होगा। जिसके बाद करौली से लेकर दिल्ली तक दंगा मॉडल 1 फरवरी 2020 में जो दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसमें भी छतों पर इस तरह से मौत का सामान इकट्ठा किया हुआ था, याद करिए गुलेल, एसिड बम, एसिड वाली थैलियां, वो ताहिर हुसैन जो आरोपी इस मामले में उनका घर, वो दंगा हाउस। और करौली में भी ठीक उसी तरह यहां पर भी एक छतों पर दंगों की प्लानिंग की गई थी, छतों पर तेजाब, गुलेल, ईंट समेत दंगों के कई हथियार इकट्ठा करके रखे गए थे। ये 2 तस्वीरें, करौली की दंगा बिल्डिंग और दिल्ली का दंगा हाउस, दोनों जगह छतों का इस्तेमाल किया गया। सवाल यह कि दिल्ली दंगों की तरह कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन
पीएफआई का करौली हिंसा में भी क्या कोई कनेक्शन है? अच्छा, अब ये चिट्ठी आ गई। सबसे पहले मैं आपको करौली हिंसा में दो दिन पहले लिखी गई चिट्ठी दिखा रहा हूं। ये चिट्ठी में आप देख सकते हैं पीएफआई कनेक्शन। पीएफआई ने दो दिन पहले ही बता दिया था कि कुछ हो सकता है। पीएफआई ने पहले ही अंदेशा जाहिर कर दिया था, जिसमें कहा जा रहा है कि जो ये भगवादारी लोग थे, इन्होंने उकसाया था, इस वजह से अचानक से हिंसा भड़क गई, अचानक से दंगा हो गया। अगर ये सच है तो फिर पीएफआई की जो चिट्ठी है, ये पीएफआई की जो चिट्ठी है जिसमें लिखा गया कि हिंदू नववर्ष की आड़ में प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाने की साजिश, सतर्क रहने के लिए सरकार और प्रशासन को लिखा पत्र, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया प्रेस रिलीज। यहां तारीख पर देखिए, तारीख 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल को चिट्ठी लिख दी गई थी कि करौली में इस तरह से हिंसा भड़क सकती है। अब सवाल यह कि पीएफआई को कैसे पता था कि यह सांप्रदायिक जो है माहौल बिगड़ सकता है वहां पर। दिनांक 2 से 4 अप्रैल तक प्रदेश के विभिन्न जिलों, तहसील और कस्बों में आरएसएस और उसके संगठनों द्वारा हिंदू नववर्ष के मौके पर रैली आयोजित की जा रही है। माहौल सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकती है, माहौल खराब हो सकता है और इस वजह से सावधानी बरती जाए। 1 तारीख को ही पता लग गया था पीएफआई को कि ये कुछ हो सकता है, तो ये प्री प्लैंड दंगा था नहीं था? इसी चिट्ठी से बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि करौली दंगों के पीछे क्या कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई का हाथ है क्या? ये जांच का विषय है। ये चिट्ठी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान पुलिस को लिखी गई थी। सवाल यह कि पीएफआई ने दंगों से दो दिन पहले हिंसा की बात क्यों की? पीएफआई को क्या पहले से पता था कि रैली में हिंसा हो सकती है? रैली में धार्मिक उन्माद और कानून व्यवस्था बिगड़ने की धमकी क्यों? पीएफआई की सार्वजनिक चिट्ठी के बाद भी दंगे कैसे भड़क गए? लेकिन पीएफआई दंगों के लिए जिम्मेदार है या नहीं है? ये तस्वीरें आप देखिए, खौफनाक तस्वीरें, भयावह तस्वीरें। यह जांच होगी कैसे, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जांच से पहले ही मान लिया कि इन दंगों के पीछे बीजेपी का हाथ है और इन दंगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयान देना चाहिए। सुनिए अशोक गहलोत को। अपने धर्म को सब मानो और दूसरे धर्म का मान सम्मान करो, ये तो सही बात है। जिस रूप में इन्होंने इस दिनों काम किया है, प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आगे नेशन को संबोधित करे, कंडेम करे वो हिंसा को, चाहे हिंसा किसी की पक्ष की धारा हो। वैसे आपको बता दें लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। इस बीच ये तस्वीर, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीर दिखाएं, करौली की इसी हिंसा में एक तस्वीर सामने आई जो आप समझिए इसको पुलित्जर पुरस्कार तो नहीं मिलेगा, लेकिन पुलित्जर पुरस्कार के बहाने भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों की अच्छी ये तस्वीर नहीं लगेगी। करौली हिंसा में जब दंगाइयों ने एक घर को आग लगा दी, पीछे देखिए तस्वीर के पीछे देखिए आप, बड़ी संख्या में दंगाई आपको नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग, हिंसा करते लोग, हाथों में पत्थर, रॉड, ये सब लोग आपको नजर आ रहे हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है। तब उसमें 2 महिलाएं और एक बच्चा फंसा हुआ था। तब कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा ने अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई। ये तस्वीर देखिए आप,